लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों जो है ना हम स्टार्टर्स को यूज करते हैं डीसी मोटर को रन करने के लिए। जी हाँ, स्टार्टर्स माने 3 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर जो है ना हम हमेशा यूज करते हैं डीसी मोटर को रन करने के लिए। क्या पर्पज है स्टार्टर का, तो गाइस हम आगे इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे मैं डिस्कस करूंगा क्यों जो है हम स्टार्टर को यूज करते हैं और विदाउट स्टार्टर हम मोटर ऑन करेंगे तो मोटर को जो है ना क्या अफेक्ट होगा, सभी चीज जो है ना मैं आगे आप लोगों को जो है ना डिटेल में बताऊंगा। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस बिना रुके इसके टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गाइस टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो है ना एक खास चीज जो है ना दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले वो चीज हम देखेंगे, वो चीज जो है ना इस कबर्ड के अंदर है। तो गाइस चलिए देखते हैं। गाइस सबसे पहले जो है ना मैं कबर्ड को खोलता हूँ तो सरप्राइज। गाइस इधर आप देख सकते हो, अगला वीडियो जो है ना मैं इसी के बारे में बना रहा हूँ। इधर आप देखिए, सबस्टेशन, ट्रांसमिशन टावर और भी बहुत सारे चीज है। तो गाइस आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। गाइस कल जो है ना इस प्रोजेक्ट का रिव्यू है, उसके बाद में जो है ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। गाइस चलिए आज के टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए आज के टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। गाइस डीसी मोटर में जो है ना, जब मोटर जो है ना स्टेशनरी कंडीशन पर रहेगा तब जो है ना बैक ईएमएफ बिल्कुल जो है ना जीरो रहेगा। आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ रहेगा ना वो बिल्कुल जीरो रहेगा। अगर आप जो है ना डीसी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हो विदाउट स्टार्टर तो मोटर जो है ना हैवी करंट को ड्रॉ करेगा, क्योंकि दोस्तों जो आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस रहेगा ना वो बिल्कुल लो रहेगा, 0.5 ओम उतना जो है ना आर्मेचर का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोज दोस्तों आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज आपके घर पे जो है ना 5 HP का मोटर है और उसका वोल्टेज का रेटिंग है 220 वोल्ट और करंट फुल लोड करंट है उसका 20 एम्प्स। तो गाइस आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स। जब आप मोटर को डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हो विदाउट स्टार्टर तो आर्मेचर जो है ना कितना करंट ड्रॉ करेगा आप कैलकुलेट कीजिए। कैसे, फॉर्मूला से। करंट इक्वल टू क्या, V/R। सपोज वोल्टेज है इस मोटर का 220 वोल्ट मैंने आपको बताया था और रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम्स। तो आप देखिए मोटर जो है ना कितना करंट ड्रॉ करेगा, 440 एम्प्स। इधर आप देखिए मोटर का फुल लोड करंट है 20 एम्प्स। विदाउट स्टार्टर आप मोटर को कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 440 एम्प्स। इधर आप देखिए 20 टाइम्स ग्रेटर देन दी रेटेड करंट। इसलिए दोस्तों स्टार्टर को जो है ना हमेशा यूज करते हैं। स्टार्टर को यूज करने से जो है ना स्टार्टिंग करंट जो आई रहेगा ना उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब विदाउट स्टार्टर आप जो है ना मोटर को टर्न ऑन करते हो तो क्या क्या अफेक्ट होगा। तो गाइस पहला अफेक्ट है मोटर जो है ना बर्न हो सकता है, ओके, ड्यू टू हैवी करंट जो है ना हीट प्रोड्यूस होकर मोटर जो है ना आर्मेचर जो है ना बर्न हो सकता है। और सेकेंड अफेक्ट है कम्यूटेटर और ब्रश को जो है ना डैमेज हो सकता है, कम्यूटेटर एंड ब्रश डैमेज होने का चांसेस रहता है। और थर्ड पॉइंट है लाइन ड्रॉप। जी हाँ, आप जब आपके घर पे मिक्सर को आप जो है ना ऑन करते हो या फिर मोटर को आप ऑन करते हो 1 सेकेंड के लिए जो है ना लाइट ब्लिंक होगा, इसे कहते हैं लाइन ड्रॉप, ये भी हो सकता है। तो गाइस ये रहे अफेक्ट्स। जी हाँ, अगर आप मोटर को विदाउट स्टार्टर आप ऑन करोगे ये सभी जो है ना अफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आप मोटर को स्टार्टर के साथ जो है ना रन करोगे तो स्टार्टर क्या करेगा, स्टार्ट आर्मेचर को जो है ना सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेगा, स्टार्टिंग में जो है ना हाई रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, आर्मेचर का जो है ना बढ़ेगा, तब जो है ना मोटर हैवी करंट को ड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है ना इंक्रीज हो चुका है। जब मोटर जो है ना रेटेड स्पीड पर आएगा तब जो है ना आप स्टार्टर का जो है रेजिस्टेंस रहेगा ना उसको आप घटा सकते हो,
स्टार्टर जो है हमेशा 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर जो है यूज होता है डीसी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए। गाइस आप लोगों को मालूम पड़ गया क्यों जो है ना हम स्टार्टर को जो है यूज करते हैं डीसी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए। गाइस कोई भी डाउट रहे तो जो है ना नीचे आप कमेंट कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे और नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना वेट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके बाय।